हेलो फ्रेंड्स, मैं संचित शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग सब इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। ये वीडियो जो हम लेके आए हैं, इसके अंदर हम लोग एप्सम का जो नया सप्लीमेशन प्रिंटर आया जो आजकल बहुत चर्चा में है हमारी लाइन में, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। कुछ डिटेल में समझाएंगे क्या उस प्रिंटर के फीचर है, कैसे उस प्रिंटर को चलाते हैं और क्या क्या उसके अलग है रेगुलर प्रिंटर से जो हम ऑलरेडी मार्केट में यूज कर रहे हैं। और एंड में हम आपको प्रोडक्ट एक प्रिंट भी करके दिखाएंगे सो दैट आप जान पाए कि कैसी क्वालिटी उसके अंदर से निकल के आती है। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं हम भी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग एप्सम का नया प्रिंटर एक आपको आज लॉन्च करके दिखाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि एप्सम ने सब्लिमेशन के अंदर भी अब अपना पैर जमा लिया है। पहले तो वो लार्ज स्केल बड़े प्रिंटर्स बनाते थे, ऑब्वियसली एप्सम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि फोटो प्रिंटिंग के अंदर बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रिंटर्स और फाइन क्वालिटी के प्रिंटर्स लाती रही है हमेशा से और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती रही है विद देयर बेस्ट एंड प्रीमियम रिजल्ट। सो उसी को ध्यान में रखते हुए सब्लिमेशन के अंदर एप्सम ने लॉन्च किया है नया A4 प्रिंटर जो कि है F130 श्योर कलर F130। आप देख सकते हैं ये बेसिकली एप्सम ने जो प्रिंटर निकाला है ये सब्लिमेशन रेंज के अंदर ही प्रिंटर निकाला है। आप देखते हैं ट्रेडिशनली सब्लिमेशन के अंदर यूजुअली हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड प्रिंटर यूज करते थे। हम लोग क्या करते थे, जो फोटो प्रिंटर हैं जो एल सीरीज के फोटो प्रिंटर आते हैं L130, L805, L1300, L1800 एंड ऑल दोस प्रिंटर्स जो कि बेसिकली फोटो प्रिंटिंग के लिए बने थे, उनको हम लोग सब्लिमेशनिंग डाल के यूज करते थे। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज उन प्रिंटर्स को यूज करने की ये थी कि हमें कभी भी कोई कंपनी से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था बिकॉज कंपनी के एक बड़े स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई साहब अगर आप हमारा प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो हमारा ही रॉ मटेरियल यूज करिए, रॉ मटेरियल जैसे कि इंक पेपर एंड व्हाट नॉट। सो ऑब्वियसली कंपनी जब कह रही है कि यार हमने आपको सामान दिया तो हमारा सामान यूज करो तभी हम आपको वारंटी देंगे। और इस चक्कर में बहुत सारे कस्टमर्स इस लाइन के अंदर एंटर करने से डरते थे, यार कल को मेरा प्रिंटर पहले दिन ही खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा और अगर मेरे प्रिंटर में कोई ऐसा फॉल्ट आ गया जो मेरा जिसको मैंने खरीदा वो सपोर्ट नहीं दे पाया। सो ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एप्सम ने सॉल्यूशन आपके लिए लॉन्च करा है विच इज श्योर कलर F130 प्रिंटर्स। सो बेसिक मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं जानता बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल गुरु राइट। सो बट या जो एक लेमन तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ इस प्रिंटर की खासियत और इस प्रिंटर में क्या क्या मिलेगा आपको और कैसा रिजल्ट है वो मैं आपको बता सकता हूँ कंपेरेटिव टू व्हाट अदर प्रिंटर्स व्हिच वी आर यूजिंग। सो बेसिक जो प्रिंटर के अंदर हमने इसमें देखा है सबसे बढ़िया चीज कि ये एक 2.4 इंच एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है। सो बेसिकली आपको ये कुछ कूल फीचर्स तो इसमें मिलते हैं जैसे ये एलईडी के साथ और इसमें आप मेंटेनेंस जैसे आप जाएंगे इसमें ये देखिए आप मेंटेनेंस के फीचर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, जैसे आप जाएंगे तो आप प्रिंट नोजल चेक कर सकते हैं, हेड क्लीनिंग इशू कर सकते हैं, पावर क्लीनिंग कर सकते हैं, प्रिंट हेड अलाइनमेंट वगैरह, ये फिल इंक का ऑप्शन दे सकता है अगर आप जैसे इंक फिल कर रहे हैं तो प्रिंटर को पता चल जाता है कि आप इंक फिल कर रहे हैं। ये सारे बड़े कूल फीचर्स, इंक लेवल सेटिंग की इंक की लेवल आप चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर, ये कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं इस बार कंपनी ने जो कि आपके प्रिंटर को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाता है और एक जो नया बंदा है जो ये प्रिंटर लगाएगा उसके लिए भी बहुत ईजी रहता है समझना कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो अब ये मेंटेनेंस बॉक्स, जैसे आप लोगों को पहले हमारे जो एल सीरीज के प्रिंटर होते थे उनके अंदर आपको इंक टैंक जब आपका फिल हो जाता था, वेस्ट इंक टैंक जो होता है, तो आपको एक एरर आता था सर्विस एरर का। सो उसमें आप रेगुलरली मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कैसे वो सर्विस एरर को हम हटा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया फीचर बताता हूँ, जो फीचर नहीं है एक बढ़िया सर्विस जो एप्सम हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इसकी एक साल की ऑन साइट वारंटी। जी हाँ, सब्लिमेशन प्रिंटर में भी अब हमें ऑन साइट वारंटी मिलेगी, वट एवर विच प्रोडक्ट विच वी सी ओवर हेयर वो सब कवर होगा वारंटी के अंदर। जस्ट एक ऑप्शन कहता है कि प्लीज हमारा इंक हमारा पेपर आप यूज करिए तो आपको वारंटी मिलेगी। सब्लिमेशन इंक ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप कोई और इंक ना यूज करें और आप ऑप्शन की कंप्लीट सर्विस आप यूज कर सकते हैं। और इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने ही वाला हूं कैसे प्रिंट करते हैं, मतलब क्या हम प्रिंट करके दिखाएंगे और क्वालिटी आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। सो अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके फीचर बता दूं। ये जो प्रिंटर है
ये टोटल 784 नोजल का प्रिंटर है, जिसके अंदर आपके 400 नोजल, कुछ 400 समथिंग नोजल ब्लैक के हैं, और बाकी जो बचे नोजल वो इक्वली डिवाइडेड है 124 समथिंग इनटू थ्री अदर कलर्स, सियान, मजेंटा एंड येलो। सो ये ब्लैक में है, और इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो नॉर्मल जो अपने प्रिंटर हम लोग यूज कर रहे हैं L130, क्योंकि हम उससे कंपेयर करेंगे, बिकॉज फोर कलर में A4 प्रिंटर वही है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, उसके मुकाबले ये प्रिंटर बहुत तेज है प्रिंट करने में, ठीक है। इसके साथ आपको अगर इंक रिफिल करनी है इसके अंदर, तो आप ऐसे इसको ओपन करेंगे, ये देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे कूल इसके बता रहा हूँ फीचर्स कि कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए इसको ऊपर करेंगे आप, इसे हल्का और ऊपर करेंगे लॉक हो जाएगा, जैसे गाड़ियों के बोनेट भी लॉक हो जाते हैं वैसे ही ऐसे लॉक हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये इसका प्रिंट हेड है, यहाँ पे ये ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो, ये इसकी इंक टाइप है। इसको इंक रिफिल करने के लिए आप ये देख रहे हैं ये छोटा सा ब्लैक बॉक्स, इसको हम ऐसे ही ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये सारे चैनल्स हैं, ये चैनल लॉक्ड हैं अभी, इनको आप हल्का सा टिक करके ऐसे ही खोल सकते हैं, और उसके बाद आपको इस तरीके से मिलेगा। ब्लैक है तो हम ये ब्लैक इंक आपको बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली बॉटल आती हैं कंपनी की, क्योंकि आपको कोई स्पिलेज की टेंशन नहीं होगी, या फिर आपको जो रेगुलर सप्लीमेशन बॉटल्स होती हैं वो आपको एक ब्रॉड कैप में मिलती हैं, तो वो सारी स्पिलेज होती है, आपको फाइनल यूज़ करना पड़ता है एंड वट एवर इशूज यू नो, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये बॉटल आपने ली और इसको ऐसे आपने यूँ लोड कर दिया, ये लोड हो गई है, अब ये रिफिल हो रही है। रिफिल होने के बाद आप यहाँ से मार्क भी दे सकते हैं कहाँ तक ये अपना फिल होगा, उसका ये मार्क आपको दिखाएगा। सो ये देख सकते हैं आपको सारे कलर ऐसे रिफिल करने हैं, या रिफिल हो जाए ये अपना स्टॉप हो जाएगा, उसका इसको आप ऐसे उठा सकते हैं हटा के दोबारा यू कैप लगा देंगे। सच एन ईजी प्रोसेस ऑफ इंक रिफिलिंग, कोई हाथ गंदे नहीं, कहीं भी स्पिलेज नहीं। यूजुअली सबके इंक टैंक के आसपास इतनी स्पिलेज होती है कि बंदा देख के ही घबरा जाए कि इंक हम यूज कर रहे हैं गिरा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना क्लीनली हमने ये इंक फिल करी है, और इसको रेगुलर भी आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं, राइट। अब ये आपका एक छोटा सा है फीचर, इसके अंदर जो इसकी एग्जिट ट्रे है वो इस तरीके की है, इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया है सब एप्सन ने, कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरेगा आपके टेबल पे या आपके वर्क स्टेशन पे, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रिंटर है ये हमारा। एग्जिट ट्रे भी यही है, और रोल फीडिंग ट्रे वो भी यही है, ये आप नीचे इसको ओपन कर लेंगे, ये आपकी फीडिंग है प्रिंटिंग करने के लिए, जो आपकी प्रिंटेबल एरिया है, अगर आप पेपर को यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो प्रिंटिंग एरिया है वो नीचे के साइड रहेगा, जिस साइड हमने प्रिंट करना है हम उसको ऐसे लोअर एंड पर लगाएंगे, और इसको इसमें हम लोग 150 शीट्स एक वन टाइम पे हम लोग रख सकते हैं, जो हमें एक फीचर इसका हमें मिलता है। उसके अलावा आपको अगर बाई चांस पेपर जाम का इशू आ जाए, तो आप ये बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये बैक साइड में दो इसके क्लिप्स हैं, इनको आप ऐसे यूं दबाएंगे और ये ऐसे निकल जाएगा, बिकॉज ये रोल फीडिंग ऐसे करता है, तो आप इसको ऐसे करेंगे पेपर जैम का एरर आएगा, तो आप निकाल सकते हैं, अगर वो एरर सॉल्व हो जाए उसके बाद इसको इजीली क्लिप दबा के यू रोल कर देंगे। सिम सच एन ईजी प्रिंटर, सच ए कॉम्पैक्ट प्रिंटर, कोई ज़्यादा जगह नहीं लेगा, और आपको सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है अपने साथ। ये कुछ हमने रिजल्ट्स हैं इस प्रिंटर के, जो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए, आप देख सकते हैं ये इसका रिजल्ट है, एक ग्लिटर कोस्टर के ऊपर, ये देख सकते हैं कितने अच्छे वाइब्रेंट कलर आए हैं इसमें, और ये उसकी इसी मक्कर कोस्टर है, ये आप देख सकते हैं फोटो कितनी अच्छी रिजल्ट देता है, ये कितने इवनली कलर्ड है, जबकि ये फोर कलर प्रिंटर है और तब भी इतने प्रोमिनेंट डोमिनेंट कलर दे रहा है। ये आप देख सकते हैं LED कीचेन का रिजल्ट हमारा, ये कितने अच्छा रिजल्ट आ रहा है ये, जबकि ये फोर कलर प्रिंटर है तब भी सारे कलर्स इवनली दिख रहे हैं। सो फोर कलर से हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, बट ये इतना अच्छा रिजल्ट हमें दिखने को मिल रहा है, देख सकते हैं अब ये रिसेंटली प्रिंट है, जस्ट टुडे हमने इसको प्रिंट करा है, और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा निकल के आया है। सो अभी आपने वीडियो में देखा, मैं आपको मोस्टली सारे फीचर्स के कवर कर रहा था, हो सकता है कुछ मुझे कुछ मिस आउट हो गए, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डेमो चाहिए हो हमारे पास, तो ये फ्लैश हो रहे होंगे नीचे नंबर, इन पे से किसी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको लाइव इसका हम डेमो देंगे और आपको क्वालिटी टेस्ट करके दिखाएंगे, आपको अच्छा लगे तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। सो ये प्रिंटर हमारे पास हमेशा रेडी स्टॉक अवेलेबल मिल जाएगा। अब हम आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका कुछ एक प्रिंट रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपके सामने ही एक प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो ये एक हमने बेसिक मक्का डिजाइन रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये अब आप इसमें देखेंगे कि मैं इसको अभी एप्सन के F130 प्रिंटर से प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने से पहले हम इसकी एग्जिट ट्रे को बाहर निकाल लेंगे, जिसपे हमारा प्रिंट आएगा, पेपर हमने डाला हुआ है,
इंक हमारे में फिल्ड है, और अब इसके हम जैसे कमांड देंगे, ये हमने प्रिंट पे गए, प्रिंटर हमने सेलेक्ट करा है एप्सन श्योर कलर F100 सीरीज, क्या देख सकते हैं। प्रिंट सेटिंग में जाएंगे, हम अपनी प्रिंट सेटिंग में देखेंगे, अब थोड़ा सा उससे अलग है जो रेगुलर जो फोटो प्रिंटर हम लोग यूज करते थे। इसमें प्रिंटर हमें दो फीचर मिले हैं बस, पेपर टाइप, पेपर रिजिड एंड पेपर टेक्सटाइल। रिजिड सरफेस मतलब जैसे स्टोन्स हो गया, या फिर हमारे एक्रेलिक फ्रेम्स हो गए, मग्स हो गए, कीचेन्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग रिजिड के अंदर यूज करेंगे। अगर हम कोई फैब्रिक प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए हम ये यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कंपेरेटिवली इक्वल ही है, बट हम लोग जो एप्सन इसकी श्योरिटी देता है कि ये उससे कम है, बट आई बिलीव कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बिकॉज इसकी इंक जो है कंपनी से इंक आती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू वट अदर इंक्स आर बीन सोल्ड इन मार्केट। ओके, सो ये हमारा हाई क्वालिटी हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम लोग मोर ऑप्शन में जाएंगे, बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग। बाई डायरेक्शनल मतलब कि हमारा प्रिंटर हेड जो है वो दोनों तरफ मूव करते हुए प्रिंटिंग करेगा, एंड इससे थोड़ी फास्ट प्रिंटिंग होगी। इसका मिरर इमेज, एज हमें याद है मग में हमेशा मिरर इमेज ही निकालते हैं। ये बेसिक सेटिंग है, कुछ भी मेजर चेंज नहीं है, हम लोग ओके करके यहाँ से प्रिंट रिलीज कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि कितनी तेजी प्रिंट होके आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेपर लोड होगा, ये पेपर हमारा रिवर्स में लोड होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये कैसे कितनी तेजी के साथ ये प्रिंट कर रहा है, और कितने वाइब्रेंट कलर निकालेगा अभी। तो देखिए बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग है, कितनी जल्दी जल्दी प्रिंट कर रहा है ये। बेसिकली जो प्रिंटर होते हैं, अगर आप जैसे अगर ये टेक्निकल भाषा में बोलूँ थोड़ा, तो आई बिलीव ये 4 पास या 8 पास पे चलते हैं जो हमारा प्रिंट रिजल्ट निकल के आता है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट कितनी जल्दी, ये कोई भी वीडियो अनकट नहीं है, ये लाइव प्रिंटिंग हो रही है, ना हमने कोई टाइम लैप्स ना इस वीडियो में कोई स्पीड बढ़ाई है, ये एकदम लाइव जो प्रिंटिंग एक्चुअल होती है इस प्रिंटर की, ये हम आपको वो शो कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आई बिलीव अंडर 20 सेकेंड ये पूरा प्रिंट निकल के आ गया है, नॉट मोर देन 20 टू 30 सेकेंड, और हमारा प्रिंट हमारे सामने रेडी है। याद रख सकते हैं इसके कलर्स कैसे आए हैं, जो स्क्रीन पे है वही ऑलमोस्ट सिमिलर है, बाकी ये हमारा पेपर थोड़ा लेट ड्राई पेपर है तो आपको कलर दिख रहे होंगे। मैं अभी आपको लाइव इसके सामने प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, प्रिंटिंग स्पीड आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके सामने लाइव हमने करके दिखा रहे हैं, यूं कट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा जो प्रिंटिंग मग है, हमारा प्रिंट रेडी है, ये हमारा मग, इसको हम लोगों को प्रिंट करना है। जैसे तो मशीन मैंने ऑलरेडी हीट होने को रेडी कर दी है, हीट टेप यूज करेंगे मग के ऊपर, ये हमारी पॉलीमर टेप होती है, प्रिंट हमारा रेडी है, मशीन ऑलमोस्ट हमारी हीट हो चुकी है। ये मशीन, प्रिंटर, पेपर, रॉ मटेरियल, मैं आपको अपनी हर वीडियो बताता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहे, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीपर प्राइस में हम लाके देते रहेंगे। ऑफर्स जानने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सप्लीमेशन की मैक्सिमम रेंज हम आपको प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेगा। मशीन हमारी हीट हो चुकी है, मग मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखिए मग प्रिंटिंग हमारी चालू हो गई है। वंस ये डन हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। सो आप देख सकते हैं हमारा मग रेडी होकर आ गया है, जैसे कि मग में हम प्रिंट करने के बाद इसको ये बटन दबाएंगे, शो टाइम, ये फाइनल रिजल्ट हम लोग
देख लेते हैं हमारा कैसा आ गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये प्रिंट आया है, इवन कलर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। मग हमारा रेडी है, सब्लिमेशन प्रिंट। ओके एंड आप देख सकते हैं पेपर के ऊपर भी ट्रांसफर, देख सकते हैं हमारे पेपर के ऊपर 99% ट्रांसफर हम अश्योर करते हैं। ये हमारा लेट ड्राई का पेपर है जो आप हमसे ले सकते हैं। मग प्रिंटिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर पेपर चाहिए हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एट दी एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि एप्सन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक सब्लिमेशन प्रिंटर के अंदर इंट्रोड्यूस होने का और आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का। प्रिंटर में बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही मल्टीपल फीचर है यूज करने को और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे बढ़िया है ये ना इतनी बल्की स्पेस लेता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ना कोई इसमें लटकता हुआ आपके इंक टैंक्स हैं जो अगर आप मूव कर रहे हैं तो गिर जाएगा, या फिर स्पिलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक डालने का इतना सॉर्टेड सिस्टम है इसके अंदर कि आपको इंक के अंदर फिलिंग करने कोई इश्यू नहीं आएगा। पेपर जैम के इश्यू जो आते हैं हमें रेगुलर प्रिंटर्स के अंदर, वो इश्यूज के लिए भी प्रॉपर सोल्यूशन इसमें हमें प्रोवाइड किया गया है। सो आई विल गिव दिस प्रिंटर अ रेटिंग ऑफ 8.5 to 9 out of 10 सब्लिमेशन प्रिंटिंग के अंदर। कुछ कुछ जो इसकी डिसएडवांटेज है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू वट L130 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बट एट द एंड वट मैटर्स इज गुड रिजल्ट एंड बेटर सर्विस फ्रॉम द कंपनी। So I will always go for this printer when it comes to sublimation 4-color A4 printers rather than going to L130. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अब आपको अगर कुछ भी चीज हमसे ऑर्डर करनी हो तो नंबर आपको पता है नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहें हमारा ऑफिस तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा, हमारा एड्रेस आपको वहां मिल जाएगा। गूगल पे भी आप मेक माई क्लिक डालेंगे आपको हमारे लोकेशन और हमारे सारे कॉन्टैक्ट इन्फो मिल सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।